welcome back to my channel. My name is Ritika Sungutuwar and you are watching amazing food series called as Nagpur Food Series Season 2. और ये वाला वीडियो ना बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग होने वाला है. मैं अभी जा रहा हूँ अभिनव भाई से मिलने. अभिनव भाई मेरे को यार आज ऐसे ऐसे लोकेशन पे लेके जाने वाला है ना जिसमें मेरा दिल गार्डन गार्डन होने वाला है. और यार अभी ना नागपुर का ना जो एटमोस्फियर हुआ है ना वो एक नंबर हुआ है. और नागपुर अभी ग्रीन ग्रीन हो गया यार पूरी. यहाँ पे ना इको फ्रेंडली यार लोगों ने आजकल बहुत ज़्यादा प्लांटेशन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इन्होंने रोड को भी क्लीन रखा यार. इसीलिए यार मैं खुश हूँ. इको फ्रेंडली नागपुर और एक नंबर फूड. पूरा वीडियो देखना, कोई भी कारण वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना. सो फाइनली गाइज वी रीच्ड आवर फर्स्ट लोकेशन कॉल्ड एज राम भाऊजी पाटवड़ी वाला. और ये महल रोड पे आता है और यहाँ पे ना 70 साल से पाटवड़ी सर्व की जा रही है. ऑलमोस्टली बहुत बार तो आमदार वगैरह यहाँ से पाटवड़ी लेके जाते हैं. तो यार हम तो क्या है यार, बहुत आइकॉनिक है और गर्मा गर्म आपके सामने बना के देते हो. स्पेसिफिक बताने दो, इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं. पाटवड़ी में कोई ड्राई फ्रूट डालता नहीं है यूजुअली, यहाँ पे डाले जाते हैं. चलो जैसे आप सभी को मैंने इंट्रो में बोला था, अभिनव भाई है एकदम जोरदार. क्योंकि ये भाऊ सुनता ही नहीं, एकदम आइकॉनिक एकदम ओल्डेस्ट प्लेसेस पे लेके चलता हूँ. और जो प्लेस पे हम आए हैं पाटवड़ी वाला, यहाँ पे थर्ड जनरेशन चल रही है. और आप सभी को जैसे पता है पाटवड़ी की जो इनर फीलिंग होती है उसमें मैक्सिममली सांभर होता है. बट मतलब वो क्या कोथी क्या मतलब नहीं धनिया ना, हाँ धनिया होता है धनिया. तो धनिया के साथ यहाँ पे ना ड्राई फ्रूट भी डाला जाता है. और बेसिकली बाहर कड़ी मिलती है बट यहाँ पे दही की चटनी दी जाती है. ऐसा बोल लो मट्ठा टाइप कुछ वो मिलता है और साथ में मिर्ची. और हाँ ये जो आउटर कवरिंग है मैक्सिममली प्लेसेस पे मैदा मिलता है. मेरे घर पे भी मैक्सिममली मैदे से बनाया जाता है बट यहाँ बेसन की है तो ये हैवी नहीं होगी. जोरदार भाई जोरदार. और हमारे सामने गर्मा गर्म बनाया इसलिए खुश हूँ. दही जोरदार है यार, कैसा है दही जोरदार लगा. ये मतलब क्या बोलते दही थोड़ा पतला. हाँ एकदम है, उसका भी एक अलग स्वाद है. हाँ थैंक यू फॉर सजेस्टिंग. ये इनके कारण ही सब होता है भाई. ये है इसलिए अपना नागपुर सीरीज बनता है. फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है. इसका प्राइस बड़े वाले का क्या था, 40 था ना. और ये 25. आर सेकंड लोकेशन कॉल्ड है संजय उपहार गृह. आप देख सकते हो क्राउड कितना है. और वन ऑफ द यार मोस्ट क्राउडेड प्लेस होती है मॉर्निंग में. कभी कभी यार 10 मिनट लग जाता है यार, इतनी गर्दी होती है. और देखो यार नागपुर में नहीं है आए और ये यार ये ऐसे चीज़ें नहीं खाए तो फिर क्या यार. इसकी लोकेशन का टेंशन मत लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए. और आपके स्क्रीन पे सारे लोकेशन सारे प्राइजेस डिस्प्ले हो रहे हैं. ये हमने हाफ प्लेट ली है.
संजय उपहार गृह का जो समोसा था ना उसका ना मतलब यार माइंड फ्रेश कर दिया उसने खाने के बाद, अच्छा था, सिंपल में एक नंबर। उसकी भी रेटिंग यार 10 में से 9 बनती है। और हम ना उसके एग्जैक्ट अपोजिट साइड में आए तंदूरी चाय पीने। यार सुबह से आपको चाय दिखा ही नहीं ना, नाश्ता ही दिखा रहा हूँ, यही दिखा रहा हूँ, वही दिखा रहा हूँ। बोलेंगे यार हम लोगों को छोड़ दिया क्या भाई, बजट फ्रेंडली बना रहा है, बजट फ्रेंडली बना रहा है और उसमें चाय नहीं दिखा रहा। चाय तो तुम नॉर्मल पीते हो, चलो तंदूरी चाय, आपला विदर्भ स्टाइल, नागपुर बोलते हैं तंदूरी चाय, चलो। हमारे लास्ट लोकेशन पे है और ये लास्ट लोकेशन पे क्या मात्र 15 रुपये में इन्होंने हमें को तंदूरी चाय दी है। मतलब यार पुणे में भी 30 या 40 रुपये थी यार लास्ट टाइम पी थी तो। बहुत ज़्यादा गर्म है यार, आज ओट जलेगा मेरे हाथ तो जला ही। अभिनव भाई थैंक यू, सोर एंड सिंपल। ईरानी चाय पीनी होगी ना तो आई बटन में लिंक है वो वाला वीडियो देखो, और तंदूरी चाय पीनी है तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखो। जबरदस्त एंडिंग करने के लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं थी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कोई भी कारण ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हम है अभी तिरंगा चौक में, यहाँ पे शाम में चाइनीज वाले भैया भी बैठते, अगर आपको शाम में चाइनीज खाना है तो आ जाना। आपसे मिलता हूँ कुछ दिनों में आज के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।